बांग्लादेश की टीम के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन आया शुभमन गिल और ऋषभ पंत की शतक के पारी का तूफान। भारतीय टीम ने दिया बांग्लादेश की टीम को 515 रनों का टारगेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन एक बार फिर टीम इंडिया के बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला और टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां से बांग्लादेश की टीम के खिलाफ 515 रनों का टारगेट रखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से भारतीय टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक पारी खेल के दिखाई। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी भारतीय टीम के इसी शानदार स्कोर के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें तीसरे दिन की शुरुआत से, तो टीम इंडिया की तरफ से नाबाद लौटे थे शुभमन गिल जो कि 33 रन बनाकर, तो ऋषभ पंत 13 रनों पर नाबाद थे। दोनों से एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर गिल और पंत के बीच अर्धशतक की साझेदारी बनती हुई दिखी। गिल ने 32वें ओवर की तीसरी बॉल पर सिंगल लेकर इस साझेदारी को पूरा किया। दोनों के बीच 50 पार्टनरशिप बनी। तो गिल का सातवां टेस्ट अर्धशतक भी इस मुकाबले में देखने को मिला। गिल ने यहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मेहंदी हसैन मिराज की बॉल पर छक्का लगाकर अपनी इस हाफ सेंचुरी को पूरा किया। तो इसके बाद यहां पर पंत भी कहां पीछे रहने वाले थे। ऋषभ पंत ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए गिल के बाद अपनी अर्धशतक की पारी को पूरा किया। पंत ने भी टेस्ट कैरियर का 12वां अर्धशतक जड़ा, जहाँ पर पंत ने मेहंदी हसैन मिराज की बॉल पर सिंगल लेकर अपनी हाफ सेंचुरी को पूरा किया। उनका कार एक्सीडेंट के बाद वापसी करते हुए यह पहला अर्धशतक देखने को मिला था। तो इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर शतक की साझेदारी करी। गिल और पंत के बीच चौथे विकेट के लिए शतक की साझेदारी भी पूरी हुई। भारत ने यहां पर 3 विकेट पर 171 रन बना लिए। फिलहाल ऋषभ पंत जो कि 60 रनों पर नाबाद चल रहे थे, तो गिल यहाँ से बेहतर रन बनाकर बल्लेबाजी करते रहे। भारत का कुल बढ़त स्कोर यहां से 398 रनों से ज़्यादा हो चुका था। तो इसके बाद यहां पर सांतो ने दमदार परफॉर्मेंस करना चाहा, लेकिन पंत का उनके हाथों से कैच छूटा और ऋषभ पंत को एक जीवनदान यहां से 49वें ओवर में मिला। दमदार फॉर्म में उतरे ऋषभ पंत ने एक बार फिर शानदार वापसी करी। पहले सेशन में भारत काफ़ी मजबूत स्थिति में उतर चुका था। पहले सेशन की समाप्ति तक यहां पर टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस किया। बिना विकेट गवाए यहां से 124 रन बना लिए। लंच तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 205 रनों तक पहुँच चुका था। तो इसके बाद ऋषभ पंत ने एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए लंच ब्रेक के बाद अपनी शतक की पारी को पूरा किया। ऋषभ पंत ने 124 गेंदों में अपने टेस्ट कैरियर का छठा शतक लगाया। दिसंबर 2022 में कार एक्सीडेंट के बाद उनका यह पहला टेस्ट है, जहां पर पंत ने धोनी की बराबरी भी करी। वह धोनी के साथ संयुक्त रूप से टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज भी बन चुके हैं। ऋषभ पंत की बात करें तो उनकी शतक की पारी के बाद टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा, जहां पर ऋषभ पंत 109 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने यहां पर शुभमन गिल के साथ 167 रनों की शानदार साझेदारी करी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे गिल के साथ केएल राहुल, जहां पर गिल की बात करें तो यहां पर पंत के आउट होने के साथ ही गिल ने भी अपना शतक पूरा कर लिया। उन्होंने भी 161 गेंदों में टेस्ट कैरियर का 5वां शतक जड़ा। गिल ने पंत के साथ चौथे विकेट के लिए 167 रनों की शानदार साझेदारी करी। तो इसके बाद केएल राहुल ने संभल कर बल्लेबाजी करी। भारत ने पारी में काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस किया। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 287 रनों तक स्कोर को घोषित कर दिया। पहली पारी में टीम इंडिया ने 376 रन बनाए थे, तो वहीं पर बांग्लादेश की टीम जो कि अपनी पहली पारी में मात्र 149 रनों पर सिमटी। इस तरह से टीम इंडिया ने 227 रनों की बढ़त हासिल करी और बांग्लादेश की टीम को अब यहां से 515 रनों का टारगेट दिया। भारत के लिए शुभमन गिल ने 176 गेंदों पर 119 रनों पर नाबाद रहे, तो वहीं पर केएल राहुल भी 22 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि ऋषभ पंत की पारी भी शानदार देखने को मिली। 109 रनों की इनकी यह पारी देखने को मिली थी। दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर चौथे विकेट के लिए 167 रनों की शानदार साझेदारी बनी।
इनके अलावा टीम इंडिया के बाकी बल्लेबाजों की बात करें तो यहाँ पर के एल राहुल जो कि 22 रनों पर नाबाद लौटे, तो विराट कोहली 17 रनों पर, तो जबकि यशस्वी जायसवाल 10 रनों पर और रोहित शर्मा ने 5 रन बनाए थे। तो भाई बांग्लादेश की टीम की तरफ से दूसरी पारी में मेहंदी हसैन मिराज ने 2 विकेट चटकाए, इसके साथ ही नाहिद राणा और तस्कीन अहमद को भी 1-1 विकेट मिला था। तो इसके बाद हम बात करें यहाँ पर बांग्लादेश की टीम की शुरुआत सीख की, तो बांग्लादेश की टीम की शुरुआत भी एक बार फिर बेहतरीन देखने को मिली। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे जाकिर हसैन, तो उनके साथ थे सादमान इस्लाम, जहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करी। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 50 रन भी पूरे किए। जाकिर हसैन ने रविचंद्रन अश्विन की बॉल पर चौका लगाकर टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। तो इसी के साथ ही सादमान और जाकिर के बीच पहले विकेट के लिए अर्धशतक की साझेदारी भी होती हुई दिखी। टी ब्रेक तक बांग्लादेश की टीम का स्कोर 56 रनों तक पहुंचने में सफल रहा। बांग्लादेश की टीम की दूसरी पारी में तेज शुरुआत देखने को मिली थी। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार पारी खेली। जाकिब ने 32 रन तो सादमान ने यहां पर 21 रनों की शानदार नाबाद पारी खेली। तो इसके बाद जाकिर हसैन का विकेट यहां पर बुमराह ने लिया। इस अर्धशतक के साझेदारी को तोड़ा जाकिर हसैन 47 बॉलों पर 33 रन बनाकर बुमराह की गेंद का शिकार हुए। यशस्वी जायसवाल के हाथों से इनको कैच आउट करवाया। जाकिर के विकेट के साथ ही उनकी यहां पर सादमान इस्लाम के साथ 62 रनों की साझेदारी भी टूटी। तो इसके बाद जाकिर के बाद सादमान भी आउट हुए, जहां पर जाकिर हसैन के बाद सादमान इस्लाम भी ज़्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके। उन्हें यहां पर रविचंद्रन अश्विन के शॉट मिड विकेट पर शुभमन गिल के हाथों से कैच आउट करवा दिया। जो कि आज के मुकाबले में 68 बॉलों पर 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो यहां पर अश्विन ने अपना दूसरा विकेट लिया। 30वें ओवर की आखिरी बॉल पर उन्हें यहां पर तीसरी सफलता मिली। यह पारी में उनका दूसरा विकेट रहा। उन्होंने मोमिन हक को भी बोल्ड कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 24 बॉलों पर 13 रन बनने के बाद पवेलियन लौटे। तो इसके बाद बांग्लादेश की टीम का तीसरा विकेट मुशफिकुर रहीम के रूप में गिरा था, जहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे रविचंद्रन अश्विन ने यहाँ पर अपना दूसरा विकेट लिया। 34वें ओवर की चौथी बॉल पर भारत को चौथी सफलता मिली। यह पारी में उनका तीसरा विकेट रहा था, जहाँ पर उन्हें मुशफिकुर रहीम को के एल राहुल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 11 बॉलों पर 13 रन बनने के बाद पवेलियन लौटे। तो इसके बाद नजमुल्ला हुसैन संतो का यहाँ पर शानदार अर्धशतक भी देखने को मिला था। बांग्लादेश की टीम के कप्तान नजमतुल्ला हुसैन सांतो ने अपना अर्धशतक पूरा किया। अश्विन की बॉल पर उन्होंने छक्का लगाकर अपनी इस शानदार पारी को खेला, लेकिन इसके बाद यहां पर मौसम बिगड़ता हुआ दिखा और इस मुकाबले को स्टम्प किया गया। हालांकि बांग्लादेश की टीम ने 37 ओवर में अपने 4 विकेट खोने के साथ ही यहाँ से 158 रन बना लिए और टीम इंडिया के खिलाफ अभी भी जीतने के लिए इस टीम को यहाँ से 357 रनों की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है चौथे दिन के मैच में बांग्लादेश की टीम क्या इस टारगेट को चेस कर पाएगी, या फिर भारतीय टीम 300 रनों के स्कोर तक यहां पर बांग्लादेश की टीम को नहीं पहुंचने देगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।